So hello guys, welcome back to my YouTube channel. Here I am Kanaka, I am a 12th grader and this video is related to my final revision for chemistry exam. So मेरा है chemistry का exam, तो मैं उसके लिए ही prepare कर रही हूँ. ये boards का ही exam है, okay ना. So I am preparing for that. So without any further ado, let's get into this video. And if you are new to my YouTube channel, don't forget to like, comment, share and subscribe. So फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिज़िकल केमिस्ट्री से. ओके, फिज़िकल केमिस्ट्री में मुझे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है. इसमें थोड़ी बहुत डेफिनेशंस रहती हैं वो करनी है और फार्मूलाज प्रैक्टिस करनी है. तो मतलब इतना ज़्यादा कुछ फिज़िकल केमिस्ट्री में मेरा स्टफ नहीं है. मुझे प्रॉब्लम आती है थोड़ी बहुत, तो वो आएगी मुझे जैसे कि अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने बीच में ये ट्रांजिशन क्यों किया. ये ट्रांजिशन का इतना बड़ा रीज़न है, मैंने अपना जैकेट नहीं डाला था. मम्मी ने कहा डाल लो बेटा, कोल्ड हो जाता तुम्हें बड़ी जल्दी, तो इसलिए मैंने फिर अपना जैकेट डाला. फिर उसके बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई. सो अब मैं कर रही हूँ अभी फिजिकल केमिस्ट्री के मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही हूँ. जो भी मुझे टफ़ लग रहे हैं मैं वो सॉल्व कर रही हूँ. और कुछ जैसे डेफिनेशंस होती हैं छोटी छोटी, मतलब एक दो मार्क्स में मेरे बोर्ड्स में आ सकती हैं, जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन लाइक दैट. और वो लॉ भी हैं बहुत सारे, जैसे राल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ, इस टाइप के मतलब ये लॉ वगैरह भी आ सकते हैं. तो मैं वो सब लिख लिख के प्रैक्टिस करती हूँ कि कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि इसमें नॉट लगाना वो सब बहुत सारे इसमें सिंबल होते हैं केमिस्ट्री में, यू गाइज नो वेरी वेल. सो मैं वही प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मिस्टेक ना हो उससे, मैं मिस्टेक अवॉइड करूँ, मतलब बिल्कुल अवॉइड कर दूँ. पेपर में मेरे लिखते टाइम कोई भी ओवर राइटिंग ना हो, कोई भी कटिंग ना हो. अभी तक मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया भी है, मेरे इंग्लिश, हिंदी और बायो का एग्ज़ाम हो चुका है. वो मेरा बड़ा ही अच्छा गया है, मतलब बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि 90 क्रॉस है उन तीनों एग्ज़ाम में. तो अब है केमिस्ट्री का, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ. चाहती हूँ कि ये भी अच्छा हो जाए मेरा, 90 क्रॉस हो जाए मेरी. तो मैं अभी कर रही हूँ फिज़िकल केमिस्ट्री. तो फिज़िकल केमिस्ट्री में मैं आपको बता भी चुकी हूँ थोड़ा बहुत ही स्टफ़ है, बट मुझे अभी प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. बिकॉज आप लोगों को ये भी पता होगा कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी बहुत है, बट एक होता है ना कि पता नहीं कहाँ से कौन सी कन्वर्जन आ जाए, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा. ओके गाइस, सो एंजॉय द टाइम लैप्स. गाइज, इतनी देर मैंने फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ने के बाद छोटा सा ब्रेक लिया, उसमें मैंने फ्रूट लिए, ग्रेप्स लिया आज मैंने. तो मतलब वैसे आज ये मुझे याद नहीं है कब की क्लिप है, शायद ये दिन की क्लिप है, मतलब रात की नहीं है. इसीलिए मैंने ग्रेप्स वगैरह लिए हैं, बिकॉज़ अगर मैं रात में नाइट स्टडी करती हूँ ना, तो मैं या फिर चॉकलेट लेती हूँ या फिर कॉफ़ी. ओके ना, उसमें मतलब मैंने बताया भी आपको कैफ़ीन होता है, तो जगने में सही रहता है, जगते रहते हैं उससे, रात भर पढ़ने के लिए सही रहता है. तो ठीक है, अब मैं कर रही हूँ अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस. इसमें मेरी जो ऑर्गेनिक वाली वीडियो है वो अटैच नहीं कर पाई है मैंने. सो ये इनऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री का मैंने इसमें जो रिवीजन कर रही थी, ये बस उतनी ही वीडियो है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन की इसमें नहीं है, बट मैंने ऑर्गेनिक को ज़्यादा टाइम दिया है इन दोनों से, बिकॉज उसमें बहुत सारी कन्वर्जन है, टेस्ट हैं और क्या कहते हैं नेम्ड रिएक्शन वगैरह, तो वो सब मुझे करना था. इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने ज़्यादा टाइम दिया है, इनको थोड़ा सा कम दिया है. इसमें एक दो क्वेश्चन जो ऐसे हैं जैसे कि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक वाले के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा उनमें मुझे प्रैक्टिस करनी है, और वो जो नेम लिखे जाते हैं वो. और तो मुझे सब कुछ ईजी लगता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही मेरी फेवरेट है. तो अभी मैं कर रही हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही प्रैक्टिस. ओके ना,
guys, that's it for today's video. Hope you like and enjoy my such type of study vlog. And if you are new to my YouTube channel, don't forget to like, comment, share and subscribe. And ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. अभी बहुत से लोग स्टार्ट नहीं हुए, बट ऑल द बेस्ट. ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज.